हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आज हम बनाएंगे नीम फेस पैक और नीम नाइट क्रीम बनाएंगे, जिससे आपकी स्किन क्लीन और क्लियर हो जाएगी। आपको तो पता है नीम में कितने सारे बेनिफिशियल प्रॉपर्टीज़ होते हैं, एंटी फंगल, एंटी सेप्टिक और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होते हैं नीम में। तो चलिए हम बनाते हैं नीम फेस पैक और नीम DIY नाइट क्रीम। ये फ्रेश नीम के पत्ते हैं फ्रेंड्स, इसे साफ़ धोकर मिक्सी ग्राइंडर के जार में डाल के हम बारीक पेस्ट बना लेंगे, जिससे हम अच्छे से इसका जूस निकाल सके। ये फाइन पेस्ट बन के रेडी है। मैं इसे छन्नी की मदद से छान लूँगी और मैं इसे दो हिस्सों में छानूँगी, क्योंकि मुझे इसे बनाना है DIY फेस मास्क और DIY नाइट क्रीम। फ्रेंड्स, आप DIY फेस मास्क दो दिन में एक बार यूज़ करिए और नाइट क्रीम डेली अप्लाई कर सकते हो, जिससे आपके स्किन के पूरे तमाम प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगे। आपकी अगर चेहरे पे दाग धब्बे हो चुके हो, या फिर आपके चेहरे से दाने निकल आए हो, या फिर आपके चेहरे पे कोई भी पिंपल्स वगैरह आए हो, वो सारे इससे दूर हो जाएंगे। नीम नाइट क्रीम बनाने के लिए ये नीम का जूस डालकर इसमें एक चम्मच कॉर्नफ्लोर पाउडर डालेंगे। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप चावल का आटा भी यूज़ कर सकते हो। इसे मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको डबल बॉइलिंग प्रोसेस से गरम करना है। डबल बॉइलिंग प्रोसेस से गरम करेंगे। आप देख सकते हो ये थोड़ा सा थिक हो चुका है। हमें ऐसा ही फाइन पेस्ट चाहिए नाइट क्रीम के लिए। ये हमारा थिक पेस्ट बन के रेडी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे आलमंड ऑयल। अगर आपके पास ये वाला नहीं है, आप बाज़ार वाला कौन सा भी रोगन बादाम भी इसमें यूज़ कर सकते हो। मैं इसमें 5 से 6 ड्रॉप ऐड कर रही हूँ। अब हम इसमें ऐड करेंगे एलोवेरा जेल 1 टीस्पून। अच्छे से मिक्स करिए। अच्छे से मिक्स करने के बाद आप इसे फ्रिज में स्टोर कर सकते हो 1 मंथ के लिए। आप डेली इसे नाइट में यूज़ करिए, जिससे आपकी स्किन क्लीन और क्लियर हो जाएगी, आपके चेहरे के सारे दाग धब्बे दूर हो जाएंगे। मैं इसे खाली बॉटल में स्टोर करूँगी। यह हमारी नाइट क्रीम बन के रेडी है। आप इसे फ्रिज में रख सकते हो। फेस पैक बनाने के लिए हम इसमें 1 टीस्पून चंदन पाउडर ऐड करेंगे। ये एल्प्स गुडनेस का है, आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। चंदन पाउडर हमारी स्किन को ठंडक पहुंचाती है, स्किन में जो भी गर्मी होती है वो निकल जाती है, जिससे आपके पिंपल्स भी कम होते हैं। अब मैं इसमें 1/2 टीस्पून वाइल्ड टर्मरिक ऐड करूंगी, जिसे आमी हल्दी भी कहते हैं। आपको घर वाली हल्दी यूज़ नहीं करना है। ये भी एल्प्स गुडनेस का है, मैं इसे पर्पल से परचेस करी थी। अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूँगी। अभी इसे अच्छे से मिक्स करिए और अपने फेस पर अप्लाई करिए, जिससे आपके सारे स्किन प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगे और आपकी स्किन क्लीन और क्लियर हो जाएगी। आपके चेहरे के सारे दाग धब्बे, पिंपल्स वगैरह सब दूर हो जाएंगे। ये होम रेमेडी बहुत बेनिफिशियल है, आप इसे एक बार ट्राई ज़रूर करना। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे फेस पे कोई भी पिंपल वगैरह नहीं है, लेकिन मैं ये फेस पैक इसलिए अप्लाई करती हूँ कि मेरी स्किन हमेशा हेल्दी रहे, क्लीन एंड क्लियर रहे और मेरे चेहरे पर कोई भी दाग धब्बे, फुंसी वगैरह ना हो। आप भी ये रेमेडी को ज़रूर ट्राई करिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा इससे। मैं इसे ऐसे ही 10 मिनट के लिए छोड़ दूंगी, उसके बाद नॉर्मल वाटर से वॉश कर दूंगी। दस मिनट हो चुके हैं, मेरा फेस पैक भी सूख गया है, अब मैं इसे वॉश कर लूंगी। फ्रेंड्स, आप रिज़ल्ट देख सकते हो। अभी अभी मैं फेस वॉश करके आई हूँ। नाइट क्रीम अप्लाई करेंगे।
नाइट छोड़ दूंगी और सुबह में फेस वॉश करूंगी। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी, मेरी डीआईवाई कैसी लगी? अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अल्लाह हाफिज़।